पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज का मुशावरती इजलास आज हो रहा है, जिसमें इवेंट के रवां सीजन के लाहौर और पिंडी के मैचेस कराची मुंतकिल किए जाने का फैसला होने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की सरबराही में पीएसएल की फ्रेंचाइज का मुशावरती ऑनलाइन इजलास आज हो रहा है, जिसमें फ्रेंचाइज मालकान शिरकत करेंगे। इस इजलास में रवां पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लाहौर और रावलपिंडी के मैचेस कराची मुंतकिल करने का फैसला किया जाने का इम्कान है। पीसीबी के एक आला अहदेदार ने इस हवाले से बताया कि दोनों शहरों की जिले इंतजामिया की जानिब से मैचेस कराने के लिए 50 करोड़ रुपए अदायगी का मुतालबा किया गया है। जिले हुकूमत ने मैचेस कराने के लिए 50 करोड़ रुपए के बिल भेज दिए हैं। ये बिल लाइटिंग, खाने और सिक्योरिटी की मद में भेजे गए हैं। कराची में मैचेस कराने के लिए ये अखराजात अदा नहीं करने पड़ते। जराए का कहना है कि पीसीबी ने सिक्योरिटी फोर्सेस खाने पीने की मद में मस्कूरा अजला को 5 करोड़ की अदायगी कर दी है, जबकि सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खाने की मद में सिर्फ 3 करोड़ लिए हैं। पीसीबी अखराजात बचाने के लिए मैचेस कराची मुंतकिल करना चाहता है। जराए के मुताबिक आज के इजलास में ये तायिन किया जाएगा कि अगर ये पेमेंट करनी है तो कौन ये बोझ बर्दाश्त करेगा। मैचेस कराची मुंतकिल करने हैं तो वो कितने होंगे? वाजह रहे कि रावलपिंडी ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11 मैचों की मेजबानी करनी है, जबकि लाहौर इवेंट के फाइनल समेत मजमूई तौर पर 9 मैचेस का मेजबान है।